different possible graphs of cubic polynomials and number of real zeros. Different possible graphs of cubic polynomials and number of real zeros. पहली बात, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूंगा तो इन जनरल आई कंसीडर क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. सही बात है, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो. व्हेन आई डिफरेंशिएट इट फर्स्ट टाइम आई गेट अ क्वाड्रेटिक, जिसका एनालिसिस क्वाड्रेटिक से किया जा सकता है. सही है, सिंपल सिंपल सी चीज है, सिंपल सिंपल है ना. अगर इसका डी ग्रेटर देन जीरो है, समझना है, अगर इसका डी यानी कि इसके दो डिस्टिंक्ट जीरोज हैं, या इज इक्वल टू जीरो लिख दूं तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, दो डिस्टिंक्ट, और ये साइन भी चेंज करती है. किसी को मेरी बातें ही नहीं समझ आ रही. अगर d ग्रेटर देन जीरो है तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और ये साइन भी चेंज करती है, फिगर नंबर वन या फिगर नंबर फोर बना है. ट्यू कहाँ से बनेगा, कैंसिल पे ट्यू कहाँ से आ गया, d ग्रेटर देन जीरो पे या तो फिगर नंबर वन है या फिगर नंबर. मुद्दे की बात, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सब हो रहा है, यानी कि इस क्यूबिक के बारे में आप क्या बोलोगे, नॉन मोनोटोनिक तो बोलोगे. हाँ, नॉन मोनोटोनिक ही बोलोगे, इसका मतलब इसका क्यूबिक का ग्राफ नॉन मोनोटोनिक. तो क्स, क्स, क्स. क्योंकि उसे आकाश लोक से पाताल लोक तो पूरा जाना है, इसलिए ऐसा तो होगा ही, ऑब्वियस बात है. मर गए, ऐसा भी हो सकता है यार, तू ही मत हुआ करो. कोई समस्या, अगर इसका डी इज इक्वल टू जीरो है फिगर नंबर टू और फिगर नंबर फाइव आगे. दिस हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एक पॉइंट पे आएगी. अरे परफेक्ट स्क्वायर है भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर. अगर डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कोइंसिडेंट रूट है. तो पहले भी इंक्रीजिंग था फिर भी इंक्रीजिंग, या फिर पहले भी डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इन केस मतलब इन दिस सिचुएशन द ग्राफ ऑफ क्यूबिक विल बी मोनोटोनिक. इस केस में आपने क्या बोला था, नॉन मोनोटोनिक. फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो देता है वो दे रहा है और क्या देगा. अच्छा, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हुआ तब तो भाई साहब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट भी नहीं आएगी, तब तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट भी नहीं आएगी, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक. मतलब खैर वो भी स्ट्रिक्टली ही है, बट ये सुपर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक. मतलब थमने का भी अलाउड नहीं है, मतलब या तो लगातार चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, ये लगातार गिरता गया गिरता. ये चढ़ना गिरना किस पे डिपेंड कर रहा है, लीडिंग कोएफिशिएंट पे. वो किस पे डिपेंड करता है, लीडिंग कोएफिशिएंट. आकाश लोक से चालू करना है कि पाताल लोक से चालू करना है, ये तो लीडिंग कोएफिशिएंट ही बताएगा भाई. हैं, इन ऑल द थ्री केसेस उसने कवर पूरा किया रियल नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से, वो तो रेंज तो उसकी पूरी होती है. ठीक है, ये इन दिस केस डी लेस देन जीरो वाले केस में ही है. क्लियर है, अच्छा ओके. एक बार इसका डबल डिफरेंशिएशन और कर लेते हैं.
6ax plus 2b is equals to 0 करने पे x की वैल्यू आई minus b upon 3a. This point will be known as point of inflection. अरे बहुत सिंपल सी बात है भाई साहब, डबल डिफरेंशिएशन करने पे लीनियर आया है, लीनियर निश्चित रूप से कभी ना कहीं तो जीरो होगा ही होगा, और जहां पे जीरो होगा उसके इधर उधर साइन भी चेंज करेगा, तो डबल डिफरेंशिएशन जीरो भी है और साइन भी चेंज कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आना ही आना है. आप इन तीनों केस में देख लीजिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कॉनकेविटी तो बदलेगी ही बदलेगी, बिना कॉनकेविटी बदले तो क्यूबिक का ग्राफ बनेगा ही नहीं. डाउनवर्ड से अपवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड, ये डाउनवर्ड यहाँ तक और फिर यहाँ कहीं जाके बीच में कहीं अपवर्ड हुआ है, ये यहाँ पे अपवर्ड 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 अपवर्ड, फिर बीच में कहीं यहाँ पे चेंज हुआ, फिर डाउनवर्ड. सही है, नोट. क्योंकि आकाश लोग से पाताल लोग पूरा कवर कर रहा है, इसलिए ये कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, और क्यूबिक मस्ट हैव. अ क्यूबिक मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल जीरो. अ क्यूबिक मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल जीरो एंड द सेकेंड अ क्यूबिक मस्ट हैव वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. एक क्यूबिक का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आएगा ही आएगा. अब इसके नंबर ऑफ मस्ट हैव एटलीस्ट, कम बोला मैंने, एटलीस्ट बोल दिया क्या भावनाओं में बह के? हाँ, वो मस्ट तो मैंने ये इसने बुलवा दिया गेले ने, इसलिए मस्ट हैव बोल दिया मैंने, बाकी मैं तो ऑलवेज बोलता हूँ. क्यूबिक ऑलवेज हैव अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. अच्छा खैर चलो कोई बात नहीं, सुनो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो है ही है ना. अब हम लोगों ने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक अभी देखी उसके हिसाब से हम इसके नंबर ऑफ रियल जीरोस पे कमेंट कर सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ रियल जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ रियल जीरोस कितने होंगे क्यूबिक के, उसकी अप्रॉक्सीमेटली मोनोटोनोसिटी का आइडिया लेके और कुछ कंडीशंस अप्लाई करके बताए जा सकते हैं कि उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस रियल हैं. तो केसेस बनाए. केस वन, इफ क्यूबिक हैज ऑल थ्री डिस्टिंक्ट रियल जीरोस, अगर किसी क्यूबिक के तीनों डिस्टिंक्ट रियल जीरोस हैं, तीनों जीरोस रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो मुझे लगता है कि उसका जो ग्राफ होगा ना, सुनना, उसका जो ग्राफ होगा वो या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा. ये दो डिफरेंट ग्राफ क्यों बनाए? लीडिंग कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है. ये वाला कब बनेगा? जब लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन जीरो होगा और ये पॉजिटिव. जब ए पॉजिटिव तो पाताल लोक से चालू होता है. अब एक्स क्यूब के बारे में सोच लिया करो भाई, एक्स क्यूब पाताल लोक से चालू होता है, आकाश लोक पे खत्म होता है, क्योंकि उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना. खैर आई डोंट केयर कैसा भी बने, अगर मेरे को इसके लिए कोई कंडीशन बनाने को बोलता है ना, कंडीशन बनाने को, मुझे तो आप सिर्फ ये बता दीजिए कि ये कौन से पॉइंट्स हैं. कौन है मिनिमम मैक्सिमम के गिन से पाऊं, इसके जीरोज हैं, इसके जीरोज नहीं हैं, है ना. एक्स वन और एक्स टू मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इन्हें, ठीक है. इन दिस केस क्या एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू का प्रोडक्ट लेस देन जीरो बोला जा सकता है? दिस इज द कंडीशन, खत्म बात. भाई साहब सीधी सी बात है,
दी गई क्यूबिक, ध्यान से सुनना मेरी बात, दी गई क्यूबिक को डिफरेंशिएट करके बनने वाली क्वाड्रेटिक के जीरोज अगर एक्स वन और एक्स टू माने जाते हैं और उस एक्स वन और एक्स टू पे मेरे फंक्शन की फंक्शनल वैल्यूज का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आता है तो पक्की बात है कि उनके बीच में कम से कम एक बार क्रॉस, तो कम से कम क्या, सॉरी, उनके बीच में तो क्यूबिक है ना भाई, एक ही बार करेगी, उनके बीच में एक बार क्रॉसिंग हुई है, और अगर उनके बीच में उसने एक बार क्रॉसिंग कर ली तो सिचुएशन या तो ऐसी है या फिर ऐसी है, तो इसका मतलब तीनों डिस्टिंक्ट रूट है। तीनों रूट्स कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। समझ गए? ये कब है, ये x1 x2 कब आएंगे? x1 x2 सिर्फ तभी आएंगे जब उसके डिफरेंशिएशन से बनने वाले क्वाड्रेटिक के रूट डिस्टिंक्ट थे, वरना तो सोचने की जरूरत ही नहीं ना। अरे अगर इसके रूट डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तीन रूट तो सिर्फ इन्हीं पॉसिबिलिटी में आ सकते हैं, इसमें भी आते हैं बट इसमें तीनों कोइंसिडेंट हो सकते हैं, इसकी तो अलग ही कहानी है। तीनों डिस्टिंक्ट अगर आने हैं तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी में इसके जीरोस तो आएंगे ही, तो उन पे अगर फंक्शन के फंक्शनल वैल्यूज का प्रोडक्ट अगर लेस देन जीरो है तो इसका मतलब तीनों रूट डिस्टिंक्ट है। अच्छा, और जीरोस के लिए क्या हो सकता है, थोड़ा बताओ, केस टू जल्दी बोलो, ऑल थ्री रियल जीरोस पॉसिबिलिटी, ऑल थ्री रियल जीरोस, टू कोइंसिडेंट एंड वन डिस्टिंक्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि दो रूट तो कोइंसिडेंट हो जाए और एक डिस्टिंक्ट हो? पॉसिबल ग्राफ बनाइए, प्लीज ड्रॉ द पॉसिबल ग्राफ जल्दी, कंडीशन आप लोग खुद ही लिख लोगे देखना, अगर आपने ग्राफ सही बनाया तो। तुम्हारे कौन से दो कोइंसिडेंट है देवी? अच्छा, वाई एक्सिस क्यों बनाया? मैंने बनाया कि वाई एक्सिस गदीड़े, या तो इस तरह का या फिर ऐसा, और भी बना सकता हूं। अभी तो मैंने दोनों केस में पाताल लोक से चालू किया है, दूसरे वाले केस में टच करता हुआ चला जाएगा भाई। तो ये दो कोइंसिडेंट और ये वाला डिस्टिंक्ट, तो ऐसे केस में ये तो x1 x2 है। अरे भाई अगर ग्राफ नॉन मोनोटोनिक है, जनता अगर ग्राफ नॉन मोनोटोनिक है तो जो डिफरेंशिएशन से क्वाड्रेटिक बनेगी उसके जीरोस तो आएंगे ही आएंगे, सही है? उन जीरोस पे ग्राफ टर्न कर ही रहा होगा, तो ये ग्राफ टर्निंग पॉइंट्स हैं एक्स वन और एक्स टू। अगर कोइंसिडेंट रूट वाली सिचुएशन है, कोइंसिडेंट जीरोस वाली सिचुएशन है, तो इन दोनों में से किसी एक पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा तो उस फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, तो एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू का प्रोडक्ट जीरो। अगर एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू का प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, सुन रहे हैं समझ रहे हैं क्या, अगर एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू का प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो इसका मतलब एक दो तो कोइंसिडेंट रूट है और एक तीसरा रूट जो है वो डिस्टिंक्ट है। और कोई पॉसिबिलिटी? तीनों कोइंसिडेंट ले लें, केस थ्री, ऑल थ्री रियल जीरोस कोइंसिडेंट। इसमें ये तो एक्स क्यूब जैसी सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है? एक्स क्यूब जैसी। ग्राफ तो बना लेंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है इसकी कंडीशंस कैसे लिखेंगे।
एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, एक्स वन एक्स टू कहाँ से आ गया, इसमें तो एक्स वन एक्स टू आएंगे ही नहीं, इस केस में तो एक्स वन एक्स टू आएंगे ही नहीं, इस केस में तो जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डी जीरो, परफेक्ट। उसका डी कैसा होगा, यानी कि उसकी रूट्स कोइंसिडेंट होंगे, यानी कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, यानी कि ये एक परफेक्ट क्यूबिक होगी। थ्री कोइंसिडेंट रूट मतलब एक्स माइनस अल्फा का क्यूब है भाई। अरे यार कमाल करते हो यार, एक्स माइनस अल्फा क्यूब है, हैं? इस केस में एफ ऑफ अल्फा भी जीरो होगा और एफ डैश अल्फा भी जीरो होगा, एफ ऑफ अल्फा भी जीरो होगा और एफ डैश अल्फा भी जीरो होगा, उस केस में तीनों कोइंसिडेंट रूट आएंगे। तभी तीनों कोइंसिडेंट आ सकते, नहीं तो आएंगे ही नहीं। परफेक्ट क्यूबिक बनेगी तभी तो कोइंसिडेंट होंगे भाई तीनों। परफेक्ट क्यूबिक नहीं समझ आ रहा, एक्स माइनस टू का क्यूब टाइप्स। और कोई पॉसिबिलिटी, ऑल तीन की तो नहीं है, इसके अलावा तीन के अलावा दो रियल हो नहीं सकते, तो अब कितना होगा, एक रियल। केस फोर इंपॉर्टेंट, व्हेन क्यूबिक हैज एग्जैक्टली वन रियल जीरो एंड इज नॉन मोनोटॉनिक। क्या नॉन मोनोटॉनिक में भी ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ एक रियल जीरो हो, हैं? बनाओ बनाओ बनाओ, पॉसिबल ग्राफ बनाओ जल्दी, ऐसे कम से कम दो पॉसिबल ग्राफ बना के दिखाइए जहां पे ग्राफ ने टर्न किया लेकिन रियल जीरो सिर्फ एक ही था। कहा है, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, सुन रहे हो क्या? पता कैसे किया जाए, इस केस में एक्स वन एक्स टू आएंगे क्या? एक्स वन एक्स टू याद है कौन थे, जीरोज ऑफ एफ डैश एक्स, हैं? जीरोज ऑफ बेसिकली किसी फंक्शन, अरे कर क्या रहे हो, ये बहुत सा क्वेश्चन होता है, व्हाट आर यू डूइंग मैन। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरे को अगर एक क्यूबिक दी गई, मैंने उसे डिफ्रेंशिएट किया, क्यूबिक दी जाएगी तो क्यूबिक तो क्यूबिक जैसी होगी ना भाई, कॉफिशियंट काफिशियंट सब पता होंगे। ए बी में थोड़ी हम लोग कोई एनालिसिस तो कर सकते हैं, क्यूबिक आपको कॉफिशियंट पता है, आपने उसे डिफ्रेंशिएट किया क्वाड्रेटिक आई, अब उस क्वाड्रेटिक के रूट्स आ गए, इक्वल टू जीरो करके तो रूट्स ही आएंगे ना, मान लो दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, तो भाई साहब देखो एक तो ये एक ये, इसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, ये इसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी संभव ही नहीं है। मान लो आपके जीरो आ गए वन और टू बाई थ्री सपोज, अब आपको ये कमेंट करना है कि मेरी जो क्यूबिक है उसके कितने जीरोज, तो मैं क्या करूँगा, मैं वन और टू बाई थ्री को उसमें ठोक दूंगा। कुछ समझ में आ रहा है किसी को? अगर मान लो वन और टू बाई थ्री ठोकने पे अपोजिट साइन मिला तो डिक्लेयर हो गया कि जीरो तीन है, इस बात की एनालिसिस कर रहे हैं हम अभी फिलहाल। वन और टू बाई थ्री ठोकने, मान लो सेम साइन मिला, इसमें देखो एक्स वन एक्स टू दोनों पे पॉजिटिव, इसमें एक्स वन एक्स टू दोनों पे नेगेटिव, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन तो बना नहीं सकता, समाज ने कहा प्रोडक्ट पॉजिटिव कर दे भाई, एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू मस्ट बी ग्रेटर देन, खत्म बात। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ तो मैं बता दूंगा भैया एक ही जीरो है, भले ही कर नॉन मोनोटोनिक हो लेकिन रियल जीरो एक ही आएगा। कोई समस्या?
केस फाइव व्हेन क्यूबिक हैज एग्जैक्टली वन रियल जीरो एंड इज मोनोटोनिक. ये तो सबसे सस्ती सिचुएशन है भाई, इसमें तो कोई पैसा ही खर्च नहीं होता. अगर नॉन मोनोटोनिक, अगर मोनोटोनिक है तो वैसे भी एक ही जीरो आना है. अब बस इसमें सिर्फ इतना सा अंतर हो सकता है कि जो डिफरेंशिएट हुआ उसके बाद जो क्यूबिक बन, वो क्या कहते हैं उसे, क्वाड्रेटिक बनी है, उसका जीरो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, है ना. सुन लो ध्यान से, देख लेना. चलो इसकी भी कंडीशन अच्छे से लिख देते हैं यार. चलो इसकी भी कंडीशन अच्छी आएगी वैसे. किसी जगह में तो आएगा नहीं वैसे. इफ एफ डैश एक्स, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो, है ना, और एफ डैश एक्स इज लेसर और इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. इक्वलिटी होल्ड करना कंपलसरी नहीं है वैसे तो, खैर उसको यहाँ बनाने को बताने को. अरे चाहे वो भले ही भीषण तरीके से मोनोटोनिक हो, चाहे वो थम के मोनोटोनिक हो, मेरे तो दोनों ही केस में वो उसमें कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आएंगे, ठीक है. बट इसमें एक स्पेशल केस भी हो सकता है, कोई बता सकता है क्या स्पेशल केस? अरे ये तो इसकी कंडीशन हो गई एग्जैक्टली वन जीरो की, तब ग्राफ मोनोटोनिक है, या तो ग्रेटर इक्वल टू जीरो या लेस इक्वल टू जीरो. लेकिन इसका एक स्पेशल केस भी है. मैं तो खड़ा हूं उसके सामने, तो कितनी बड़ी हिंट दे दी मैंने. लिखो लिखो नीचे. बट इफ इक्वलिटी होल्ड्स, बट इफ, ये अच्छी चीज है, ये तो क्लिक कर गई अभी. बट इफ इक्वलिटी होल्ड्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, बट इफ इक्वलिटी होल्ड्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा, नोट दैट f alpha should not be equals to zero. f of alpha should not be equals to zero. यदि किसी जगह equality hold कर रही है तो उस जगह original function zero नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर original function zero हो गया उस जगह पे तो फिर ये है भाई साहब, फिर तो ये बना है, सही है. तब तो तीनों root, तीनों real zero है. मुझे तो एक real zero चाहिए सिर्फ, मुझे कितना real zero चाहिए, एक. अरे अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बननी है तो यहां नहीं बननी चाहिए, ऊपर कहीं बन जाए. कैसे लोग हो तुम यार, इसको चार यूनिट ऊपर कर दो ना तो इसका रियल जीरो एक ही रह जाएगा सिर्फ. नहीं छाप लो, मैं जैसे कैमरे के बाहर जाता हूं ना गायब हो जाता है. यही बड़ा कपटी है.